हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल त्रिपथ एकेडमी। त्रिपथ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो यार, आज बात करने वाले हैं बीसीए वर्सेस बीटेक, इन दोनों में किसमें ज्यादा सैलरी मिलती है, किसकी ज्यादा प्लेसमेंट है और कौन सा आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि हर चीज हर इंसान के लिए अच्छी नहीं होती। ठीक है, तो आपके लिए कौन सा बेटर ऑप्शन है बीसीए वर्सेस बीटेक में से, कौन से में ज्यादा आपको रिलायबल होगा, कौन सा लेना ज्यादा सही होगा, वो सारी चीजें आपको इस पूरे वीडियो में दिखने वाली है। तो इसलिए यार, वीडियो को बिल्कुल आप स्किप मत करना, क्योंकि स्किप करोगे तो मे भी हो सकता है कि आप कोई सा भी एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ से छोड़ के चले जाएं। तो इसलिए पूरा वीडियो को आप लास्ट तक देखना, जिससे सारी नॉलेज आपको मिल सके कि ये सही में कुछ इनमें कुछ बड़ा डिफरेंस है या नहीं है, ये सारी चीज आपको पता चलने वाली है। सो यार, फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार, सबसे पहली चीज जान लो, ये बात मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि यार, कोई भी कोर्स जो है ना, छोटा या बड़ा नहीं होता। किसी भी आप कोर्स का, चाहे वो बीसीए है चाहे वो बीटेक है, इन दोनों में से किसी को आप ये नहीं कह सकती कि ये बहुत बड़ी चीज है या ये बहुत छोटी चीज है। दोनों अपनी जगह बहुत अच्छी चीज है। किसी भी चीज का कंपैरिजन बहुत बेकार है कि आप इसको कंपेयर के बोलो यार ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत बेकार है। तो ये सबसे बेकार चीज है कि ऐसा बोलना। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, बीसीए अपनी जगह बहुत अच्छा है और बीटेक अपनी जगह बहुत अच्छा है। तो यार, अब इसलिए कभी भी ये कंपैरिजन बिल्कुल मत करना कि यार बीसीए छोटी मोटी चीज है या बीटेक बड़ी चीज है, या जो भी, या बीसीए बहुत बड़ी चीज है, बीटेक छोटी मोटी चीज है। तो ये कंपैरिजन बिल्कुल मत करना, दोनों अपनी जगह सही है। ठीक है, अब बात करते हैं कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है, क्या है डिफरेंस और आपके लिए कौन सा अच्छा होना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं डिफरेंस क्या है दोनों। तो यार, सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि सबसे पहली चीज कि बीसीए हमारा 3 साल का होता है और बीटेक हमारा 4 साल का होता है। बीसीए में 6 सेमेस्टर होते हैं और बीटेक में हमारे 8 सेमेस्टर। तो ये चीज तो आपको समझ आ गई। अब जानते हैं कि बीसीए कौन कर सकता है और बीटेक कौन कर सकता है। तो यार, बीसीए जो है, जो आपने सुना होगा कि यार जिसके पास मैथमेटिक्स हो वही बस कर सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आर्ट्स वाले बच्चे भी कर सकते हैं, जिनके पास अगर मैथ्स नहीं है वो भी बच्चे बीसीए कर सकते हैं। तो बीसीए में कोई सा भी, चाहे वो आर्ट्स वाला है या कॉमर्स वाला है या साइंस वाला है, तीनों में से कोई भी कर सकता है। अब आते हैं हम बीटेक की तरफ। तो बीटेक में ओनली जो साइंस स्टूडेंट्स हैं, जो कि पीसीएम ले रखी है उन्होंने, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, उनका कंपलसरी होना चाहिए ये सब्जेक्ट्स उनके अगर हैं, तभी जाकर के वो इंजीनियरिंग कर सकते हैं, यानी कि बीटेक कर सकते हैं। बीसीए में जो है वो डिपेंड कर सकता है कि हमारा जो यूनिवर्सिटी है वो एग्जाम लेगा या नहीं लेगा, या कोई एंट्रेंस एग्जाम होंगे या नहीं होंगे। लेकिन बीटेक में जितने भी, अगर आपको अच्छे कॉलेजेस चाहिए तो उनके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना ही देना है। ज्यादातर जितने भी कॉलेजेस हैं सब में एंट्रेंस एग्जाम देना ही देना है। अब जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं थोड़े से, उनमें एक बार को एंट्रेंस एग्जाम नहीं होते, लेकिन फिर भी आपको उसमें एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। तो ये समझ आए कि हमें बीसीए में बिना एंट्रेंस एग्जाम दिए भी हमें अच्छे कॉलेजेस मिल सकते हैं, लेकिन बीटेक में अच्छा अगर कॉलेज लेना है आपको तो फिर आपको एंट्रेंस एग्जाम देना। यार, ये सारे जो मेन मुद्दे हो गए कि कौन क्या कर सकता है, कौन क्या नहीं हो सकता, अब हम जानते हैं यार कि जो बच्चों के सबके दिमाग में सैलरी वाली चीज बन रखी होती है कि यार बीटेक में बहुत ज्यादा सैलरी होगी और बीसीए में कम सैलरी होगी, तो ये बिल्कुल गलत है। अब लोगों का जो कंपैरिजन होता है, वो बच्चे या जो भी इंसान जो कंपेयर करता है ना, वो बीसीए वालों को बीटेक वालों के उस हिसाब से कंपेयर करता है, यानी बीटेक सीएसई से वो कंपैरिजन करता है, बीसीए वर्सेस बीटेक सीएसई। तो ये कंपैरिजन क्यों? क्योंकि देखो, बीसीए में तो पूरा वो कोर्स है, उसमें सारी चीजें हैं, लेकिन बीटेक में और भी बहुत सारे स्ट्रीम्स हो जाते हैं, जैसे कि आपको उसमें मैकेनिकल होगा, उसमें इलेक्ट्रिकल होगा, उसका आपका कंप्यूटर साइंस होगा, बायोटेक्नोलॉजी होगा, केमिकल इंजीनियरिंग, बहुत सारे ब्रांच है उसमें, बहुत ही ज्यादा ब्रांचेस हैं। तो उसमें बहुत ज्यादा अलग अलग है, तो सबकी अलग अलग हिसाब से प्लेसमेंट है। लेकिन यार, जो लोग भी कंपैरिजन करते हैं वो क्या करते हैं, बीसीए को डायरेक्ट कंपेयर कर देंगे बीटेक भाई सीएसई वाले से डायरेक्ट। तो यार, मैं पहले आपको समझाना चाहता हूँ कि कैसे मेन क्या चीजें होती हैं। अब मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, देखो, अगर कोई भी बच्चा जो है जिसको बहुत ज्यादा कोडिंग में इंटरेस्ट है, उसको कंप्यूटर की बहुत अच्छी नॉलेज लेनी है,
बहुत ही ज्यादा अच्छा कुछ करना है तो यार उसे बीसीए लेना चाहिए, क्योंकि बीसीए में आपको सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं, चाहे वो डेटा स्ट्रक्चर हो, चाहे वो वेब डेवलपमेंट हो, चाहे वो जावा हो, सारी चीजें जितने भी हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सी हो, सी प्लस प्लस हो, सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। और अगर इसको कंपैरिजन किया जाए बीटेक से तो उसमें उतना ज्यादा भी नहीं होता एज कंपेयर टू इस जो हमारा बीसीए है। तो पूरी प्रॉपर नॉलेज आपको बीटेक सीएससी में नहीं होती, मतलब और भी बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें, लेकिन इसमें बस आपको कंप्यूटर की ही ज्यादातर चीजें, एक दो सब्जेक्ट्स आपके मैथमेटिक्स वाले भी आ जाते हैं, फंडामेंटल मैथमेटिक्स ये सब थोड़े बहुत आते हैं, लेकिन जो कोर मतलब जो चीजें आपको ज्यादातर पढ़नी है वो सारी कंप्यूटर वाली ही चीजें इसमें पढ़नी है बीसीए में। तो यार जिसको बहुत ज्यादा अपना वो अच्छा करना है तो कंप्यूटर में तो अपना बीसीए में जा सकता है। यार जो बच्चे बात करते हैं कि भाई सैलरी की, तो यार सैलरी का कंपेरिजन तो कभी मत किया करो। मान लो जो बीटेक में जो पढ़ने वाला यार कंप्यूटर साइंस वाला लड़का है, वो मान लो किसी कॉलेज में गया, उसने उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं की, मतलब जैसा भी है, मान लो उसके साथ कुछ हो गया या जो भी है, तो उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाया, फिर वहां से निकला, उसको कोई जॉब नहीं मिली, या जॉब मिली तो बहुत ही कम सैलरी वाली जॉब मिली। अब यही जो बीसीए वाला बंदा है, उसने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, मतलब अपने पूरे जो 3 साल है उसको बहुत अच्छे से उसने डिवोट किया है, ठीक है, तो वहां से क्या होगा, उसको अच्छी प्लेसमेंट मिलेगी, ठीक है, वहां से क्या होगा, उसको ज्यादा अच्छी प्लेसमेंट मिलेगी। अब इस टाइम पे इस सिचुएशन में अगर आप कंपैरिजन करो तो कौन सा, बीसीए ऊपर हो जाएगा बीटेक से, तो इसलिए ये कंपेयर मत क्या करो। वैसे जो ओवरऑल देखते हैं तो क्या देखा जाता है कि बीटेक वाले सीएससी वाले जो बच्चे हैं उनका जो प्लेसमेंट वो अच्छा है, बीटेक वाले सीएससी वाले बच्चों का प्लेसमेंट अच्छा होता है एज कम्पेयर टू बीसीए। लेकिन यार सिनेरियो अलग भी हो सकते हैं, सिनेरियो चेंज भी हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि बीटेक सीएससी वाले का हर बार ही अच्छा हो या बीसीए वाले का हर बार ही बेकार हो, ऐसा नहीं है, बीसीए वाले का अच्छा हो सकता है, बीटेक मतलब सारे सिनेरियो मतलब अलग अलग सिचुएशंस हो सकती हैं जिसमें कौन सा अच्छा कौन सा, तो इसलिए ये कभी कंपेयर मत करो कि यार बीसीए में चले जाऊंगा तो वहाँ ज्यादा अच्छी सैलरी आ जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है कि बीसीए में चले जाओ तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा या बीटेक में चले जाओ तो बेकार हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों के दोनों यार सेम ही चीजें हैं क्या। और वैसे जो कहा जाता है उनके हिसाब से यही है कि जो बीसीए वो थोड़ा मान सकते हो आप इजी है बीटेक से, क्योंकि यार बीटेक में 8 सेमेस्टर होते हैं और बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं, तो थोड़ा सा इजी मान सकते हो, लेकिन उतना भी इजी आप नहीं मान सकते, क्योंकि बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो बीटेक वाली हैं वो सब भी उन्हें भी पढ़नी पड़ती है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब बिल्कुल ही ईजी, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा लेवल आप मान सकते हो, जैसे अगर वो हमारा बीटेक के लेवल यहाँ है तो वहाँ से थोड़ा सा नीचे जो लेवल है उसका यहाँ मान सकते हो, मतलब कोई बड़ा एक ड्रास्टिक चेंज नहीं आ जाता कि भाई बीसीए बिल्कुल ही गिरा पड़ा है और बीटेक में बहुत कुछ ज़्यादा ही भाई हो गया, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। तो लास्ट फाइनली यही कहूँगा कि आपका जो मन है, अगर कंप्यूटर की बहुत अच्छी नॉलेज लेनी है, अगर बहुत अच्छा कुछ करना है कंप्यूटर फील्ड में जा करके, मतलब प्रोग्रामिंग या इन सब में जा करके आपको बहुत ही बढ़िया कुछ करना है, तो यार बीसीए ले सकते हो, बीसीए इज नॉट अ बैड ऑप्शन, बहुत एक अच्छा ऑप्शन है, ऐसा कुछ नहीं है कि बीसीए लेकर के कुछ बच्चों का बेकार होता है, ऐसा कुछ नहीं है, आप बीसीए ले सकते हो। बीटेक तो आपको पता ही है एक प्रोफेशनल डिग्री है, प्रोफेशनल चीज है, वो भी आप कर सकते हो, वो तो बहुत अच्छा एक ऑप्शन है ही आपके लिए, इसीलिए यार बीसीए और बीटेक में कंपैरिजन करना जो है वो ठीक नहीं है, या किसी भी चीज को कंपैरिजन करना ठीक नहीं है। आपको इस पूरे वीडियो से समझ आया होगा कि मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बीसीए में जाकर के किसी बच्चे की सैलरी अच्छी नहीं हो सकती या बीटेक में जाकर के किसी बच्चे की सैलरी अच्छी नहीं हो सकती, ठीक है, दोनों में अच्छी सैलरी कर सकता है, डिपेंड करता है बच्चे की नॉलेज पे, बच्चे के टैलेंट पे, कि किस में कितना ज्यादा टैलेंट है और कौन सा क्या कुछ कर सकता है। क्यों? क्योंकि बीटेक में जाकर के भी अगर आपने नॉलेज नहीं ली और अच्छे से पढ़ाई नहीं की तो हो सकता है आपको अच्छी प्लेसमेंट ना मिले, और बीसीए में जाकर के आपने अगर अच्छा किया तो आपको वहाँ पे कुछ अच्छा मिल सकता है। तो इसीलिए यार मतलब कोई ज़्यादा उतना कुछ नहीं है, ये जो सारे मिथ्स फैला रखे हैं कि भाई बीसीए में तो कुछ है ही नहीं और बीटेक में बहुत कुछ है, तो ऐसा नहीं है यार, उतना कुछ भी नहीं है यार। लास्ट में बस यही समझो, जो मन है आपका वो आप ले सकते हो, मेरे हिसाब से जो भी मेरे को चीज़ें बतानी थी वो सारी मैंने बता दी, बीसीए में भी कोई अच्छी सैलरी निकाल सकता है, बीटेक में भी कोई अच्छी सैलरी निकाल सकता है, ठीक है, तो सैलरी का कंपैरिजन बिल्कुल मत करो, कुछ दोनों में से कोई सा भी अच्छा हो सकता है। तो यार मुझे लगता है कि पूरी वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, अगर फिर भी अगर कोई सी इन्फॉर्मेशन अगर बच गई हो और कुछ आपको लेनी हो तो जाकर के आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, हम सारे सब्सक्राइबर जितने भी हैं, जितने भी हमारे पास कमेंट्स आते हैं सबका हम रिप्लाई देते हैं, तो ऐसा कोई नहीं होता जिसका हम रिप्लाई ना। और अगर यार वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि बहुत बच्चे जो
सभी 11, 12 वाले बच्चे हैं, उन सभी को डाउट्स रहते हैं यार बाद में जाके क्या करियर ऑप्शन है मेरे लिए, तो उन सारे को भेजो कि क्या वो कर सकते हैं, क्या उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज आगे हैं 12th के बाद। तो इसलिए वो सारे बच्चों को शेयर करो, जितनों के साथ भी शेयर कर सको, जिससे ज्यादातर लोगों को पास नॉलेज पहुंच सके। तो यार वीडियो को शेयर कर दो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, और चैनल को अभी तक भी आपने अगर सब्सक्राइब किया नहीं है तो सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें आपको कोई पैसे नहीं लगने वाले, तो यार फ्री है बिल्कुल, यार जाके सब्सक्राइब कर दो, हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, और आप सबके लव और सपोर्ट से ही हमारा चैनल चल सकता है। हमारे पिछले वीडियोज़ में बहुत अच्छा आप सपोर्ट दिखा रहे हो, और ऐसे ही दिखाते रहा करो यार, ठीक है। सो मेरे को लगता है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।